गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बेटा हम लोग दोहराई करने जा रहे हैं, कल आप लोगों का टेस्ट है। टेस्ट का सिलेबस आपको भेजा गया है, जिसमें बड़े भाई साहब पाठ है, कबीर की साखियां, उसके साथ मुहावरे और समास। मुहावरे का आपका लास्ट वीक टेस्ट हुआ है, आई होप आप लोगों ने तैयार किए होंगे। समास भी मैंने लास्ट वीक आप लोगों को रिवाइज करवाए थे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर बड़े भाई साहब। अपनी किताबें खोलिए प्लीज। बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब पाठ के लेखक हैं प्रेमचंद जी। मेरे फेवरेट राइटर प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का लिखा कुछ ऐसा लिखा होता है कि आपको लगता है आप उसी में जी रहे हैं। प्रेमचंद जी का लिखा कुछ ऐसा है, जैसे आप जब जैसे जैसे आप पढ़ते हैं, आपको ऐसे ऐसे लगता है कि आपकी आंखों के सामने वो घटनाएं घटित हो रही हैं। लेखनी बहुत ही सरल, मुहावरेदार भाषा, शब्दों का ऐसा चयनित प्रयोग जो पाठक को बरबस ही अपनी ओर खींच लेता है, पाठक खींचा चला जाता है पढ़ने के बाद। और आपको अगर पता हो, प्रेमचंद जी ने अपना जीवन बहुत ही अभावों में जिया, कमियों से भरा जीवन रहा उनका। अभाव थे, बहुत बड़े लेखक थे, लेकिन इतने बड़े लेखक होने के बावजूद भी उनमें अभिमान रत्ती भर भी नहीं था। बहुत ही सरल सीधे स्वभाव के लेखक। इनके बारे में पहले पढ़ते हैं। 31 जुलाई 1880 को बनारस के करीब लम्ही गांव में जन्मे धनपत राय ने उर्दू में नवाब राय और हिंदी में प्रेमचंद नाम से लेखन कार्य किया। हिंदी में भी काम किया इन्होंने और उर्दू में भी। असल नाम था धनपत राय, उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते रहे और हिंदी में प्रेमचंद के नाम से। निजी व्यवहार और पत्राचार धनपत राय नाम से ही करते रहे। उर्दू में प्रकाशित पहला कहानी संग्रह सोजे वतन अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया। आजीविका के लिए स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी करने के अलावा इन्होंने हंस माधुरी जैसी प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया, एडिटर रहे। कुछ समय मुंबई की फिल्म नगरी में भी बिताया, लेकिन वह उन्हें रास नहीं आई। यद्यपि उनकी कई कृतियों पर यादगार फिल्में बनी, आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे। प्रेमचंद को उनके जीवन काल में ही कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट कहा जाने लगा था। उन्होंने हिंदी कथा लेखन की परिपाटी पूरी तरह बदल डाली थी। अपनी रचनाओं में उन्होंने उन लोगों को मुख्य पात्र बनाकर साहित्य में जगह दी जिन्हें जीवन और जगत में केवल प्रताड़ना और लांछन ही मिले थे। 8 अक्टूबर 1936 में उनका देहावसान हुआ। प्रेमचंद ने जितनी भी कहानियां लिखी वे सब मानसरोवर शीर्षक से 8 खंडों में संकलित हैं। उनके प्रमुख उपन्यास हैं गोदान, गबन, प्रेम आश्रम, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा और मंगलसूत्र। मंगलसूत्र अपूर्ण रहा, जो पूरा नहीं हो पाया। अगर मैं अपनी बात करूं, जैसे मैंने आपसे कहा मेरे फेवरेट लेखक हैं प्रेमचंद जी, इनमें फेवरेट मेरे उपन्यास है गोदान और निर्मला। निर्मला तो मेरे मन के बहुत ही करीब है, बहुत अच्छे से मैंने निर्मला को पढ़ा है। कहीं प्रेमचंद जी ने लिखा था, एक पंक्ति उनकी है जो मैं अक्सर सोचती हूं। उन्होंने लिखा कि जो मध्यवर्गीय समाज होता है, मध्यवर्गीय लोग हैं, वो नीचे आना नहीं चाहते, नीचे आना नहीं चाहते। जो उच्च वर्ग है वो ऊपर रहना चाहता है। निम्न वर्ग ऊपर नहीं आ सकता, वो नीचे खुश है, ठीक है। और मध्यवर्गीय जो होता है, मिडिल क्लास होती है, वो ना ऊपर जा सकती है ना नीचे आ सकती है,
उच्च वर्ग में भी नहीं मिल सकते और निम्न वर्ग में आना नहीं चाहते। ये पंक्ति पढ़े मुझे बहुत साल बीत गए, लेकिन इससे पता चलता है कि लोगों के मनोभावों को, समाज को और मानव प्रवृत्ति को कितने अच्छे से समझते थे। इस पाठ में बड़े भाई साहब में उन्होंने, अगर हम उसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, बाल मनोविज्ञान के बारे में बताया है, चाइल्ड साइकोलॉजी बाल मनोविज्ञान है। एक भाई जो बड़ा है छोटे को पढ़ाना चाहता है, छोटे के लिए बहुत सारे नियम लागू किए गए हैं, लेकिन खुद शायद पढ़ने में इतना अच्छा नहीं है, कक्षा में फेल हो जाता है। और आखिर की पंक्तियां जो उन्होंने लिखी हैं पाठ में, वो दिल को छू जाती हैं। आगे पढ़ेंगे क्या लिखा है, पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं ना टोकता। होता है ऐसे, है ना? कई बार बच्चों को कहा जाता है कि तुम अभी छोटे हो, ये काम नहीं करना। और कई बार कहते हैं, तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें ये काम भी नहीं करना आता। और बच्चे इस उलझन में रहते हैं, इस दुविधा में रहते हैं, मैं अभी छोटा हूं या मैं बड़ा हो गया हूं, किस काम के लिए छोटा हूं और किस काम के लिए बड़ा हूं समझ ही नहीं आता। लेकिन इस भुलावे में ना रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। अगर आप बड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर सकें। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने आप को रोकना पड़ता है। कई बार बच्चे कुछ ऐसा काम करते हैं, बड़े का भी मन ललचा रहता है कि मैं भी ये काम करूं, लेकिन वो बड़ा है इसलिए उसे अपने आप को, खुद को रोकना है। अगर वो खुद को नहीं रोकेगा तो बच्चों को कैसे रोकेगा? अपना मन होने पर भी बहुत बार घर के बड़े लोग अपना मन मार लेते हैं। जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी के बड़े नहीं होते। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं, जो हैं तो छोटे ही, लेकिन घर में उनसे एक और छोटा भाई है, उससे उम्र में केवल साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। अपने छोटे भाई से सिर्फ 1 साल बड़े हैं, लेकिन उनसे अपेक्षाएं, उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत है। बड़ा होने के नाते वह खुद भी यही चाहते और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तिरोहित हो जाता है। बड़े भाई साहब का अपना बचपन खत्म हो गया छोटे को सिखाते सिखाते। उन्हें ये समझा दिया गया, उन्हें ये लगा कि मैं बड़ा हूं, तुम बड़े हो, तुम अगर ये काम करोगे तो तुम अपने से छोटे को कैसे सिखाओगे। पाठ शुरू करते हैं। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे, 3 दर्जे मतलब 3 क्लासेस आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वे जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे। व्यंग्य किया गया है, तालीम जैसे मामले में जल्दबाजी नहीं करनी थी उनको। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते, यानी कि एक क्लास में फेल हो जाते तो दूसरी बार उसको रिपीट करते। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो, पुख्ता मतलब मजबूत, मजबूत, अगर बुनियाद ही मजबूत नहीं होगी तो मकान कैसे पायदार बनेगा? पायदार मतलब वो पायदान होता है, पायदार। मैम बिल्डिंग, हां जी,
मैम बिल्डिंग जिसके ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा होगा। पायदार का मतलब होता है मजबूत, जैसे कहते हैं ये चप्पल बड़ी पायदार है, बड़ी मजबूत है, बहुत देर तक टिकने वाला। ओके मैं छोटा था, वे बड़े थे, मेरी उम्र 9 साल की थी, वे 14 साल के थे, उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। कहते हैं कि मुझसे बड़े थे इसलिए उनकी हर बात मुझे माननी थी, कानून की तरह, रूल की तरह। वे स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, पढ़ते रहते थे, हर दम किताबें खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते, कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। सामंजस्य मतलब रिदम ही नहीं होती थी आपस में, उसका कोई तालमेल ही नहीं होता था। मसलन, मसलन मतलब उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल। एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी, इबारत मतलब एक लाइन लिखी हुई देखी, स्पेशल अमीना भाई भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, ये सब लिखा था। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा, चेष्टा मतलब कोशिश की इस पहेली का अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वे 9वीं जमात में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। मुहावरा, छोटा मुंह बड़ी बात। मेरा जी पढ़ने में ना लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था, पहाड़ जैसा लगता था 1 घंटा बैठना भी। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, और कभी कंकरियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते मोटर गाड़ी का आनंद ले रहे हैं। फाटक होते गेट होते हैं, छोटे छोटे बच्चे उस पर चढ़ जाते हैं और उस पर झूला लेते हैं, आगे पीछे करते हैं, जैसे कि किसी मोटर कार में घूम रहे हो, कार में घूम रहे हो। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वह रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। मुहावरा, प्राण सूखना, घबरा जाना, डर जाना। उनका पहला सवाल यह होता, कहाँ थे? हमेशा यही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। मौन मतलब चुप। किसी बच्चे को अगर डांट पड़े और वो चुप रहे तो इसका मतलब क्या है? कि उसने वो गलती की है, इसीलिए चुप है। चुप ना हो, आगे जवाब दे, अपनी सफाई पेश करे, है ना? लेकिन वो चुप रहते, मौन रहते। न जाने मेरे मुंह से ये सवाल क्यों नहीं, ये बात क्यों नहीं निकलती थी कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, मैंने गलती की है, मैं उसे मानता हूं। और भाई साहब के लिए उसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें, गुस्सा भी करते, प्यार भी करते, ऐसे शब्द बोलते। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और एक हर्फ ना आएगा। हर्फ मतलब शब्द, अक्षर, एक भी अक्षर तुम्हें नहीं आएगा। हर्फ उर्दू भाषा का शब्द है, हमें पता ना कि वो उर्दू में भी लिखते थे, इसलिए उन्होंने उर्दू भाषा के शब्दों का भी हिंदी में प्रयोग किया है। एक हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं, ऐरा गैरा नत्थू खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते, हर कोई अंग्रेजी का विद्वान नहीं हो सकता। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूं तुम कितने घूंघा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं पढ़ता रहता हूं फिर भी मुझे कुछ नहीं आता, मैं फेल हो जाता हूं।
और मुझे देखकर भी तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही मैं कितनी मेहनत करता हूं, यह तुम अपनी आंखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो तुम, यह तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? कहते इतने मेले लगते रहते हैं, इतने तमाशे होते हैं, लोग इतना घूमते फिरते हैं, क्या मैं कभी कहीं जाता हूँ? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ, उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पढ़ा रहता हूँ, फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यो खेल कूद कर वक्त गवा कर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? आपको पता है वो हॉस्टल में रहते थे अपने भाई के साथ, मालूम है ये बात? अपने भाई के साथ हॉस्टल में रहते थे, वहां दोनों पढ़ते थे और बड़े भाई पर उनकी जिम्मेदारी थी। बड़ा भाई उन्हें बस यही समझाता था कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी दो दो तीन तीन साल में एक ही क्लास में पढ़ा रहता हूँ, कोई टाइम नहीं वेस्ट करता, और तुम इतना टाइम वेस्ट करते हो, तुम तो सारी उम्र इसी क्लास में बैठे रहोगे। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, लताड़ कौन सहे? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, मतलब हमेशा भाषण देते थे, हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सूखती बाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। सूखती बाण, सूखती बाण मतलब चुभती बात कहना मैम, चुभती बात, किसी को चुभती बात कहना, चुभती हुई बातें कहना। और मेरी हिम्मत टूट जाती, इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति में अपने में ना पाता था, और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना घर चला जाऊं, जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं, मतलब मुझे लौट जाना चाहिए, मुझे पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आ जाता था, लेकिन घंटे दो घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। जी लगाना, मेहनत करना, चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार करिए, काम कैसे करूं? टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाता, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 इतिहास, फिर भोजन और स्कूल, 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 भूगोल, 5 से 6 ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 विविध विषय, फिर विश्राम। क्या ये ठीक टाइम टेबल था? क्या ये टाइम टेबल ठीक था? क्यों? ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कोई बताएगा, क्या ये टाइम टेबल ठीक था? कोई भी नहीं, सब कहां गए, गायब। ओके, ये टाइम टेबल ठीक नहीं था। एक दिन में इतने सारे विषय पकड़ लिए गए, खेलने का समय ही नहीं। एक बच्चे के लिए पढ़ाई भी जरूरी है, खेलना भी जरूरी है, दिमाग को तरोताजा करना भी जरूरी है। एक दिन में इतने सारे विषय नहीं पढ़े जा सकते, विषयों को भी दिनों के हिसाब से बांट लेना चाहिए। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती, अवहेलना मतलब इग्नोर करना, इग्नोर होना शुरू हो जाता। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वह दाव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती, और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, आंखें फोड़ पुस्तकें, किसी की याद नहीं रहती, और भाई साहब को नसीहत और वजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भागता,
उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। दबे पांव आना, दबे पांव मतलब चुपचाप धीरे धीरे। कि उनको खबर ही ना हो, खबर ना होना, पता ना लगना। उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। प्राण निकले मतलब घबरा गया। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता था। कहते मैं हमेशा डांट खाता, हमेशा मुझे डांटा जाता, लेकिन मैं खेलना कूदना नहीं छोड़ सकता। पढ़ाई मेरे बस की नहीं थी, इतना ज्यादा पढ़ना मेरे बस का नहीं था। हमारी जो नई ये एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये क्यों आई है तो बताएगा मुझे, क्यों आई है ये वाली नई एजुकेशन पॉलिसी? एनईपी जो नहीं आई है। हाँ जी रूहानी मैम। मैम मे बी इसलिए क्योंकि हर बच्चे के पढ़ाई का लेवल सेम, सबको अपने मर्जी के विषय पढ़ने का मौका मिले। हर बच्चे का पढ़ाई का लेवल सेम नहीं होता है, हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता। इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, हर कोई अलग है, हर कोई इतना नहीं पढ़ पाता, हर एक की बॉडी अलग है, हर एक का दिमाग अलग है ना। तो अब जो आगे नई एजुकेशन पॉलिसी है जिसमें स्ट्रीम्स ही खत्म कर दी गई, मैथ्स के साथ आप बायो ले सकते हैं, बायो के साथ आप हिस्ट्री ले सकते हैं, स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो जाए। किसी का किसी में रुझान है, वोकेशनल एजुकेशन को कितना ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बच्चों को प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, बच्चों को सीखने का मौका दिया जाएगा, जिस काम में वो जाना चाहते हैं वो काम शुरू से सीख सकेंगे धीरे 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 धीरे। अगर किसी को कारपेंटरी का शौक है, जरूरी नहीं कि वो बड़ा होकर कारपेंटर ही बनेगा, वो अपना बहुत बड़ा फर्नीचर शोरूम भी खोल सकता है अगर वो शुरू से कुछ सीखेगा, अगर कारपेंटरी का कोर्स करेगा। कारपेंटरी का कोर्स करने का ये मतलब नहीं है कि वो कारपेंटर बन गया, नो, वो कारपेंटर नहीं बनेगा, वो उससे रिलेटेड कुछ अपना बिजनेस शुरू कर सकता है, कुछ अलग कुछ नया काम कर सकता है ना। इसी तरह से ये कहते हैं कि मैं इतना नहीं पढ़ सकता था, मेरे बस में नहीं था इतना पढ़ना। नेक्स्ट इज सालाना इम्तिहान हुआ, फाइनल एग्जाम्स, भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया, डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन में पास हो गया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों लूं, आड़े हाथों लेना मुहावरा, आपकी वह घोर तपस्या कहाँ गई, मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं। आड़े हाथों लेना का अर्थ बताओ भाई, कौन बताएगा? आड़े हाथों लेने का अर्थ बताओ, मतलब उनसे किस तरीके से बात करूं कि हां जी क्या हुआ। भाई बताओ एग्जाम में आड़े हाथों लेना का प्रॉपर अर्थ क्या लिखोगे? मुहावरे तैयार नहीं हुए अभी, मुहावरे तैयार नहीं हुए। कोई नहीं बताएगा, ऐसे नहीं होता। आप ग्रुप में आप जा सकती हैं, आप मुझे ग्रुप में इसका अर्थ ढूंढकर भेजेंगे आज। आड़े हाथों लेना ढूंढिए और ग्रुप में मुझे भेजिए। हाँ जी रूहानी। मामा आड़े हाथों लेने का मतलब कि अब वो बड़े भाई सबको हल्के में लेंगे? नहीं, उसका प्रॉपर अर्थ ढूंढिएगा, आड़े हाथों लेना, फिर मैं बताऊंगी ठीक है या गलत है। टेस्ट हो चुका है लेकिन मुहावरे नहीं आते, पाठ में से मुहावरे हैं बेटा, ढूंढ कर बताइएगा। चलिए, उन्होंने कहा कि मैं उन्हें आड़े हाथों लूं, कि वो सब कहां गया,
जो आप इतना पढ़ते थे फिर भी फेल हो गए, और मैं हमेशा खेलता कूदता रहा। भाई साहब का रौब मुझ पर नहीं रहा, आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, दिल मजबूत था। अब उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया, जबान से यह हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का आतंक अब मुझ पर नहीं रहा। अब वो भाई साहब से डरता नहीं था। नेक्स्ट पेज, जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। भाई साहब कहते थे, रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। महीप मतलब राजा, कर मतलब टैक्स। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ, घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई उसे चुल्लू भर पानी देने वाला भी नहीं था। आदमी और जो कुकर्म चाहे पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं। अभिमान किया तो दीन दुनिया से गया। फिर उन्होंने शैतान के बारे में बताया भाई साहब ने। भाई साहब ने उसे ये कहा कि मैं फेल हो गया हूं, उस पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों तले पसीना आ जाएगा, घबरा जाओगे बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, ये पढ़ाई बहुत मुश्किल है। भाई साहब फिर भी उसे समझाते रहे, फिर एक बार सालाना इम्तिहान हुए और फिर ऐसा संयोग हुआ कि भाई साहब फिर फेल हो गए, लेखक फिर पास हो गए। अब भाई साहब उससे केवल एक दर्जा पीछे थे। भाई साहब रोने लगे, लेखक कहता है कि मैं भी रोने लगा। अब भाई साहब थोड़े नरम पड़ गए थे, कई बार डांटने का अवसर भी मिलता था लेकिन फिर भी डांटते नहीं थे। एक दिन शाम का समय था और कनकौवा लूटने के लिए लेखक भागा। कनकौवा मतलब पतंग, बड़ी पतंग कनकौवा। बेतहाशा दौड़ा जा रहा था, भाई साहब ने सामने से देख लिया, उनसे मुठभेड़ हो गई और पकड़ लिया और गुस्से से बोले, क्या ऐसे बाजारी लौंडों की तरह घूम रहे हो और भागते जा रहे हो, आठवीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो, आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक जमाना था लोग आठवां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे, आठवां दर्जा पास करके नौकरियां मिल जाती थी, तहसीलदार बन जाते थे, और उनका ये कहना था कि आठवें दर्जे में तुम हो गए हो, तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर उनकी बातें सुनी, फिर घर आए और उन्हें बहुत ज्यादा समझाया गया। उन्हें लेखक के भाई ने उन्हें समझाया, अगर मैं बीमार हो जाऊं और तुम्हारे हाथ पैर फूल जाएंगे, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ नहीं सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार नहीं देंगे, घबराएंगे नहीं, बदहवास नहीं होंगे, पहले खुद मर्ज पहचान कर इलाज करेंगे, फिर डॉक्टर को बुलाएंगे, और तुम इतना भी नहीं कर सकते हो। हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। दादा हमें इतने रुपए भेजते हैं कि हम पहले तो खर्च कर देते हैं और फिर उसके मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है और पूरे परिवार का पालन किया है। अपने हेडमास्टर को ही देख लो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए ही नहीं ऑक्सफोर्ड के, हजारों रुपए पाते हैं लेकिन घर का इंतजाम कौन करता है। उनके भाई ने उन्हें बहुत ही ज्यादा समझाया और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया, और लेखक को यह भी बात समझ में आई कि पढ़ने से ही उनका जीवन बनेगा, ठीक है, और उन्हें अपने
भाई साहब के साथ भी ऐसा महसूस हुआ कि भाई साहब हमेशा उनका भला ही चाहते हैं। दिस इज द चैप्टर, थोरो रीड करिएगा। आपका जो कल का टेस्ट है एमसीक्यूज टेस्ट होगा, सारा टेस्ट एमसीक्यूज में आएगा। कल हम कबीर की साथियां रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।